कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। भाइयों महिंद्रा का 575 डी आई एक्सपी प्लस है। किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इसके ऊपर ये 7 फीट का सोनालिका का रूटावेटर चला रहे हैं। तो रूटावेटर का परफॉर्मेंस अब तक आप लोगों ने देख लिया है, अब किसान भाई के साथ आपका जो है परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले तो जो दर्शक भाई आपको हमारे देख रहे हैं, एक बार आपने अपना परिचय कराएं, अपना नाम पता वगैरह बताएं। मेरा नाम दीपक यादव है जी, मैं मटोरा गाँव से हूँ, पोस्ट मोहना है, डिस्ट्रिक्ट जिला मेरठ जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने ये ट्रैक्टर लगभग कब खरीदा, कितना समय इसके साथ आपको हो गया? लगभग इसके साथ में एक साल होगी। एक साल होगी जी। इसके पहले अपने पास कोई सा ट्रैक्टर था? जी 575 था, वो सादा था, डीआई। अच्छा वो डीआई था, ये एक्सपी प्लस है? ये एक्सपी प्लस है जी। जी जी। अच्छा जैसे कि आप बता रहे हैं इसके पहले सादा वाला डीआई था आपके पास, अब आपने ये एक्सपी प्लस खरीदा है, दोनों में आपको डिफरेंस क्या कुछ लगा, अंतर क्या कुछ लगा? जी इसकी पावर बड़ी है, उसकी थोड़ी कम थी जी। और कुछ क्या कुछ अंतर आया इसके, जैसे कि हम इम्प्लीमेंट के ऊपर चलाते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ अंतर लगा आपको दोनों ट्रैक्टर के अंदर? इसकी चाल ज़्यादा है, उसकी थोड़ी कम थी। अच्छा चाल में फर्क है कहीं ना कहीं जी। अच्छा रूटावेटर के ऊपर वो भी चलाया था आपने? जी रूटावेटर ही चलती है, परमानेंट रूटरी चलाते हैं आप, तो उसमें और इसमें क्या कुछ अंतर आया रूटावेटर के ऊपर? लोड में ही अंतर है थोड़ा, वो कहीं ना कहीं दबता था ट्रैक्टर? ये दबता नहीं है, बढ़िया चलाता, ये फ्री चलता है। डीजल खपत में आपको कुछ अंतर लगा दोनों की? जी इसकी डीजल खपत में थोड़ा ज्यादा है जी, लेकिन वो कम खाता था, वो पहले वाला कम खाता था जी। अच्छा वो आपने कब खरीदा था उसको, वो कितने समय आपने चलाया? 2015 में खरीदा था। नया ही खरीदा था वो जी? किस कीमत के अंदर खरीदा था आपने वो? वो कीमत 525 के आसपास था, 525,000 का जी। अच्छा इसकी कीमत का मैं आपसे अंदाजा लूं, ये आपने कब खरीदा और किस कीमत के अंदर खरीदा? पिछले साल खरीदा था जी, लास्ट में दिवाली के टाइम में खरीदा था जी। जी ये निकला था 6-10 का, 6,10,000 का आपने ऑन रोड ये खरीदा था जी। जी जी। अच्छा जैसे कि इसके अलावा आप कल्टीवेटर वगैरह पर भी आपने इसको चलाकर देखा होगा, तो वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है? बढ़िया रहता है। जो लिफ्ट है इसकी, लिफ्ट कौन सी वाली है, सिंपल वाली है या मीटर लिफ्ट है? सिंपल, सिंपल लिफ्ट है। अच्छा इसकी लिफ्ट के अंदर काफ़ी सारे किसान भाइयों की दिक्कत मैंने सुनी है, शिकायत सुनी है कि सेंसिंग वगैरह अच्छी नहीं करता, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हम तो परमानेंट रोटर पर चलाते हैं, हमें तो बढ़िया चलता, हाथ बैठा हुआ क्योंकि लिफ्ट वेस्ट पे ही जी, 75 की। अच्छा जो कल्टीवेटर वगैरह के ऊपर जैसे कि आपने इसको चलाकर देखा होगा, जिसको कि टीलर बोलते हैं हम, वहाँ पर उसके ऊपर कैसा परफॉर्मेंस रहा ट्रैक्टर? बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसमें ये ब्लैक वाली जो लोवर है पूरे नीचे रखते हैं, और ये वाली जो रहती है जी रेड वाली, ये 5 या 6 पे चल जाती है जी। यानी कि आप सेंसिंग, फुल सेंसिंग के ऊपर इसको चलाते हैं जी। जी जी। कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो उन किसानों को होती है जिनको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कम है। हमारे हिसाब से तो बढ़िया चलता है। आपके हिसाब से बढ़िया चलाता है, कोई दिक्कत महसूस आपको नहीं होती। अच्छा डीजल खपत का मैं आपसे अंदाजा लूँ तो रूटावेटर के ऊपर लगभग कितनी डीजल खपत कर लेता होगा ये? लगभग 2 बीघे खेत है हमारा, 14-20 का बैठता, 7-20 पर बीघा है जी, उसमें ये लगभग 6 लीटर तेल में दोनों भाग काट देगा, जेल कर देता है यानी कि उसको जी। जी जी जी। दूरी बा और कोई आपको ट्रैक्टर के अंदर, जैसे कि काफी समय आपको महिंद्रा के साथ हो गया, कोई कमी पेशी या कोई शिकायत आपको इसके अंदर नजर आई? हमें इस ट्रैक्टर का मेंटेनेंस बहुत बढ़िया लगता जी, ट्रैक्टर बिल्कुल नो मेंटेनेंस है ट्रैक्टर जी। जी जी जी। अच्छा एक सवाल हो रहा है मेरे आपसे, जैसे कि आप बता रहे हैं इसके पहले महिंद्रा था, 15 में आपने खरीदा, तो आपका किसी और कंपनी में जाने का विचार नहीं बना? नहीं जी, क्योंकि मार्केट के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, पर लेकिन हम परमानेंट रूटर चलाते हैं इस ट्रैक्टर में, इस ट्रैक्टर की चाल बहुत बेहतरीन है जी। यानी कि रूटर के काम के ऊपर बढ़िया चलता है, आप किराया भाड़े का काम करते हैं
जी। और कोई आपको कोई कमी पेशी इसके अंदर नजर आई अब तक? हमें तो अभी तक इसमें कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नजर जैसा आया शोरूम से आज तक ऐसी चल रहा है, डीजल गए थे चला रहे, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस होगी। जी। तो भाइयों हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, आपको ओवरऑल सारे कुछ चीज़ों के बारे में बताया, कब इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे और इसकी डीजल खपत वगैरह कैसी है वो भी आपको बताया। रोटावेटर के ऊपर आप लोगों ने परफॉर्मेंस खुद देखा इसका कैसा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त इसने जो है ये वाहन किया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर आपको महिंद्रा 575 के बारे में जानकारी दी, किसान भाई के साथ आपका परिचय कराया। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें ताकि वहां पर भी आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देख पाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।